हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे छोटा गेमिंग कंसोल, जिसके अंदर बहुत सारे एम्युलेटर्स चलेंगे और वो बनेगा रेसबेरी पाई, वो जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा पीसी। तो इसके लिए आपको लगेगा एक मेमोरी कार्ड एडाप्टर, एक मेमोरी कार्ड और आपके लिए एक चाहिए जॉयस्टिक। तो कोई भी जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हो आप, जिसमें जैसे आपका एक्सबॉक्स का हो गया PS3, PS4, PS5, ये जो भी वायरलेस जॉयस्टिक्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और USB वाला वायर जॉयस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो हो चलेंगे बहुत सारे गेम्स चलेंगे, जिसमें PS2, PSP, सेगा, निंटेंडो वगैरह के सारे गेम्स इसमें चलेंगे। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा PC पे, जहाँ पे हम अपनी मेमोरी कार्ड जो है PC में कनेक्ट करेंगे और उसको फॉर्मेट कर लेंगे। तो फॉर्मेट कर लेने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये लीजिए, इसको हम कर लेंगे फॉर्मेट। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट कंप्लीट। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। यह है RetroPI, जो आपके मेमोरी कार्ड पे फ्लैश होगा। इसको करना है आपको एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करने के बाद, और कुछ ये इस तरीके से नज़र आएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद। तो ये है एक्सट्रैक्टेड फाइल। अभी हम आपको चाहिए रुफूस, तो रुफूस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रुफूस जैसे ही आप खोलोगे आपको आपकी मेमोरी कार्ड नज़र आ जाएगी वहाँ पर। तो ये लीजिए, यहाँ पे अपनी मेमोरी कार्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे से आपको आपका सेलेक्ट करना है आपकी फाइल। तो ये आपकी इमेज है, RetroPI की इमेज को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास RetroPI की इमेज आ गई, ये ओके। जैसे ही आप ओके करोगे बाकी के सेटिंग्स अपने आप ले लेगा ये, और आपको करना है स्टार्ट। जैसे ही ये स्टार्ट होके थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, मिनिमम 5 से 10 मिनट लेगा, उसके बाद आपका जो है मेमोरी कार्ड रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएगा आपको मेमोरी कार्ड अपना वापस से आपके RetroPI में डालना है, और RetroPI को आपके मॉनिटर से कनेक्ट करना है, और जॉयस्टिक को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस एम्युलेटर में जो है बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे आप लोग इसके अंदर बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, जैसा कॉन्ट्रा, मैरियो वगैरह जो पुराने बॉक्स के गेम्स आते थे वो सारे इस पे चलेंगे। और आपको जो है लेटेस्ट वाले PS2 वाले तक के गेम्स जो भी है इस पे सब चलेंगे। तो जब आप इतने पैसे स्पेंड करके अलग अलग कंसोल क्यों ख़रीदना, जब आपका ये जो है पूरा सेटअप आपको 3 से 4 हज़ार में बन जाएगा, जहाँ पे हम लोग PS3 का जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं जो 500 रुपये में आपको मिल जाएगा आराम से, और ये जो है आपको RetroPI 2-3 हज़ार में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। और ये जो होगा हाई क्वालिटी में होगा HDMI केबल के साथ। तो ये हमारा हो रही है मेमोरी फॉर्मेट, तो हम इसको करते हैं अभी स्किप और करते हैं डायरेक्ट RetroPI पे। तो ये जैसा आप लगाओगे तो RetroPI का लोगो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो हमने अभी जॉयस्टिक कनेक्ट करने नहीं कर रखी है, तो अभी हम PS3 की जॉयस्टिक USB केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये हो गया हमारा जॉयस्टिक पे कनेक्ट और ये प्रोसेस शुरू हो गया। ये वन टाइम प्रोसेस है, जहाँ पे आपको आपकी PS3 जॉयस्टिक, जो भी जॉयस्टिक आप यूज़ कर रहे हो उसको सेटअप करने का पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो भी जॉयस्टिक करोगे यहाँ पे नीचे बता देगा। तो इसके लिए आपको A बटन होल्ड करके रखना है, या X बटन हो सकता है वो भी होल्ड करके रखिए, कीबोर्ड है तो F4 होल्ड करके रखिए। तो मैं A होल्ड करके रखा हूँ, देखिए यहाँ पे PS3 का कंट्रोलर बता दिया। यहाँ पे आप अपना D-pad वगैरह सेट कर सकते हो। तो जल्दी से हम इसको सेट करेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके अंदर गेम्स कैसे लोड करेंगे और बहुत सारे जो डिफरेंट रोम्स है वो कैसे डालेंगे आप, और सारे को अपन गेम प्ले भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको पहले करना होगा नीचे जाके सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर। तो थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा प्रोसेस एक छोटे से वर्ल्ड के सबसे छोटे कंप्यूटर को गेमिंग कंसोल में बदलने का। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।